नमस्कार, मैं मोनिका राणा, यह है चागो हिमाचल 365, डर के नहीं डट के, और आप देख रहे हैं एलक्वेस्ट न्यूज चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। पर्यटन नगरी डलहौजी का नाम बदलने का मुद्दा फिर उछला। सुब्रमण्यम स्वामी ने हिमाचल के राज्यपाल को लिखा पत्र। हिमाचल में 14 जून तक कोरोना कर्फ्यू, आज से शुक्रवार तक सिर्फ 2 बजे तक ही खुलेंगे बाजार। ब्लैक फंगस के चलते IGMC में 3 मरीजों को बचाने के लिए निकालनी पड़ी एक एक आंख। बल्क क्षेत्र के 16 युवाओं से ठगे 7.5 लाख, SP से शिकायत। कोरोना काल में 150 बसें उठा ले गई फाइनेंस कंपनियां, कर्जदार हुए कई प्राइवेट बस ऑपरेटर। सरका घाट में मिली 18वीं शताब्दी के श्रीराम की मूर्ति। हिमाचल में 200 करोड़ के निवेश से स्थापित होगा इथेनॉल संयंत्र, स्टेट ऑफ आर्ट मॉडर्न अस्पताल बनेगा। फ्लाइट छूटने पर कार से श्रीनगर निकला CRPF जवान, सड़क दुर्घटना में मौत, पूरे गांव में शोक। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज दिल्ली में JP नड्डा, निर्मला सीतारमण और नितिन गडकरी से करेंगे मुलाकात। स्वदेशी एंटी हेलगम रोकेगी ओलावृष्टि, बागवानी बचाने को प्रदेश के 8-10 स्थानों पर स्थापित करने की तैयारी। स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइन, कुछ दवाइयों को COVID-19 के इलाज से हटाया। अब खबरें विस्तार से। पर्यटन नगरी डलहौजी का नाम बदलने का मुद्दा फिर उछला। सुब्रमण्यम स्वामी ने हिमाचल के राज्यपाल को लिखा पत्र। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डलहौजी का नाम बदलने का मुद्दा फिर सामने आया है। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को लिखे अपने पत्र में कहा कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट अजय जग्गा की पुरानी मांग पर विचार करते हुए इस शहर का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कर दिया जाए। स्वामी ने लिखा कि वर्ष 1992 में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने भी इसे लेकर एक अधिसूचना जारी की थी, लेकिन बाद में कांग्रेस सरकार ने उसे रद्द कर आदेश पलट दिया था। स्वामी ने इस चिट्ठी के जरिए राज्यपाल से आग्रह किया है कि डलहौजी का नाम बदलने के लिए वह मुख्यमंत्री को आदेश जारी करें और साल 1992 की अधिसूचना को लागू करवाएं। गौरतलब है कि डलहौजी को अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान साल 1854 में कर्नल नेपियर ने 5 पहाड़ियों पर बसाया था। उन्होंने लॉर्ड डलहौजी के नाम पर इस शहर का नाम रखा था। 1873 में रविंद्रनाथ टैगोर डलहौजी आए थे, वहीं 1937 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी डलहौजी पहुंचे थे। हालांकि डलहौजी के निवासी और पर्यटन व्यवसायी डलहौजी का नाम बदलने जाने से पक्ष में नहीं हैं। हिमाचल में 14 जून तक कोरोना कर्फ्यू, आज से शुक्रवार तक सिर्फ 2 बजे तक ही खुलेंगे बाजार। जयराम मंत्रिमंडल के कोरोना कर्फ्यू में रियायत न बढ़ाने के चलते सोमवार से एक बार फिर बाजार सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगे। व्यापारी संगठनों के दबाव के बीच सरकार ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों की कोविड को नियंत्रित करने के लिए एक सप्ताह और सख्ती रखने की सिफारिश को मानते हुए कर्फ्यू को 14 जून तक बढ़ा दिया था। हालांकि 11 जून को होने वाली कैबिनेट की बैठक में कर्फ्यू जारी रखने और रियायतें को बढ़ाने पर चर्चा कर फैसला लिया जा सकता है। वहीं सोमवार को भी सरकारी दफ्तरों में 30% स्टाफ के साथ ही कामकाज होगा। अधिकारियों ने पहले ही रोस्टर जारी कर दिए थे, जिसके अनुसार पिछले हफ्ते कर्मचारी कार्यालय पहुंचे थे। हालांकि कुछ अधिकारियों ने कामकाज में परेशानी का हवाला देते हुए जरूर उच्च अधिकारियों को कम से कम 50% कर्मचारियों को बुलाने की बात कही है। अब देखना यह है कि 11 जून को होने वाली कैबिनेट बैठक में सरकार क्या फैसला लेती है। ब्लैक फंगस के चलते IGMC में 3 मरीजों को बचाने के लिए निकालनी पड़ी एक एक आंख। IGMC शिमला से दाखिल ब्लैक फंगस के मरीजों की जान बचाने के लिए चिकित्सकों को अब तक 3 मरीजों की एक एक आंख निकालनी पड़ी है। चिकित्सकों का कहना है कि ऐसा नहीं करने से मरीजों की हालत और गंभीर हो सकती थी। इसके अलावा अस्पताल में इस बीमारी से पीड़ित एक मरीज की गंभीर हालत होने के चलते उसे वेंटिलेटर पर दाखिल किया गया है। यह मरीज लगातार चिकित्सकों की निगरानी में उपचाराधीन है। IGMC में मौजूदा समय में ब्लैक फंगस से पीड़ित 10 मरीज भर्ती हैं। इनमें हमीरपुर के रहने वाले मरीजों की संख्या अधिक है। IGMC के ENT विशेषज्ञों का कहना है कि यदि नाक में दिक्कत, नाक बंद होना, दाग धब्बा और तालू में समस्या हो तो तुरंत चिकित्सक को दिखाएं। जरा सी लापरवाही करने से यह बीमारी जानलेवा बन सकती है। बल क्षेत्र के 16 युवाओं से ठगे 7.5 लाख, SP से शिकायत।
सोमवार को मंडी जिला के बल क्षेत्र का एक प्रतिनिधि मंडल विदेशों के नाम पर हुई ठगी मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री से मिला। इस दौरान नागेंद्र कुमार ने बताया कि बिलासपुर और पंजाब के दो व्यक्तियों द्वारा विदेशों में नौकरी दिलाने के झांसे से बल क्षेत्र के 16 युवाओं से 7.5 लाख रुपए के करीब पैसे ले लिए गए और अब उनके मोबाइल नंबर बंद आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी युवा बेरोजगार हैं और बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे कर उन्होंने दिए थे। अब इन सब युवाओं ने SP मंडी से इंसाफ दिलाने के लिए गुहार लगाई है। वहीं पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि कुछ युवाओं ने विदेशों में नौकरी के नाम पर ठगी की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। कोरोना काल में 150 बसें उठा ले गई फाइनेंस कंपनियां, कर्जदार हुए कई प्राइवेट बस ऑपरेटर। कोरोना की दूसरी लहर में ट्रांसपोर्ट को कर्जदार बना दिया है। हालत ये हो गई है कि बिना काम के ट्रांसपोर्टरों को बैंक की किस्तें चुकाना मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, राज्य में करीब 150 निजी बस ऑपरेटर ऐसे बताए जा रहे हैं जिनकी किस्त न चुकाने पर फाइनेंस कंपनी उनकी बसें उठाकर ले गई है। वहीं अन्य ऑपरेटर्स को भी आर्थिक तंग हाली का सामना करना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 6 मई से कोरोना कर्फ्यू बंदिशें लगी हुई हैं। बंदिशों के चलते राज्य में बसों का संचालन पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। सभी बसें खड़ी हैं। काम न होने के चलते ऑपरेटर्स को बैंक की किस्त चुकाना मुश्किल हो गया है। बीते साल की बात करें तो राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ने से मार्च माह में लॉकडाउन लगा दिया गया था। इसके बाद बसों का संचालन शुरू किया गया, मगर निजी बस ऑपरेटर की माने तो रूटों पर सवारियां कम होने से उन्हें रोजाना घाटे का सामना करना पड़ रहा था। दूसरी लहर के दौरान फिर से बंदिशें लगने से ऑपरेटर्स को बैंक की किस्तें चुकाना मुश्किल हो गया था। बैंक किस्त न चुकाने पर फाइनेंस कंपनियां अब बसें जब्त करने लगी हैं। हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश प्राशर ने कहा कि राज्य में करीब 150 ऑपरेटर ऐसे हैं जिनके द्वारा किस्त न चुकाने पर फाइनेंस कंपनियां उनकी बसों को जब्त कर लिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने ऑपरेटर्स की कमर तोड़ कर रख दी है। बसों के खड़े होने से ऑपरेटर्स को घर का खर्च चलाने के लिए बाजारों में सब्जियां व फल बेचने पड़ रहे हैं। राज्य सरकार की नज़रअंदाजी के चलते ऑपरेटर्स को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरका घाट में मिली 18वीं शताब्दी की श्रीराम की मूर्ति। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सरका घाट की धनालग पंचायत में कोरोना काल में मनरेगा कार्य में खुदाई के दौरान भगवान श्रीराम की एक प्राचीन मूर्ति मिली है। ये मूर्ति 18वीं शताब्दी की बताई जा रही है। पत्थर की बनी यह सुंदर कलाकृति बहुत ही आकर्षक है। इसमें भगवान श्रीराम एक हाथ में धनुष उठाए हुए हैं तो दूसरे हाथ में तीर पकड़ा हुआ है। ये मूर्ति मंडी रियासत के राजाओं के समय में बनाई बताई जा रही है। तहसील बलदाड़ा की धनालग पंचायत वैसे भी अपने ऐतिहासिक पहचान बनाए हुए हैं। यहाँ पर राजाओं के समय के 3 प्राचीन मंदिर भी हैं। यहाँ राजाओं के गढ़ भी हैं। हालांकि अब ये गढ़ और मंदिर अधिकतर नष्ट हो चुके हैं और इनके अवशेष ही यहाँ पर दिखाई देते हैं। ऐसे में स्थानीय जनता का मानना है कि भगवान की यह मूर्ति इस काल में जमीन से प्रकट हुई है जब कोरोना के चलते पूरी मानवता खतरे में है और बहुत ही भयानक दौर में है। स्थानीय पंचायत के प्रधान बेसर सिंह ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि मनरेगा कार्य के दौरान जमीन से भगवान श्री राम की मूर्ति मिली है। उन्होंने कहा कि पंचायत के बुद्धिजीवी लोगों की राय लेकर यह निर्णय लिया जाएगा कि आखिर इस मूर्ति को किस तरह से रखना चाहिए। कहा कि अगर संभव हुआ तो यहाँ पर भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। वहीं पुरातत्व विभाग को भी सूचना दी गई है। उधर हरि चौहान क्यूरेट स्टेट म्यूजियम शिमला ने बताया कि मूर्ति करीब 1870 की है और उस समय के दौरान राजाओं के द्वारा बनाई गई है। कहा कि अगर पंचायत के द्वारा मूर्ति को संरक्षित नहीं किया जाएगा तो इसे म्यूजियम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। हिमाचल में 200 करोड़ के निवेश से स्थापित होगा इथेनॉल संयंत्र, स्टेट ऑफ आर्ट मॉडर्न अस्पताल बनेगा। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हिमाचल प्रदेश में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के माध्यम से 200 करोड़ रुपए के निवेश से 200 KL क्षमता का इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने का आश्वासन दिया है। ये जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात के बाद एक बयान जारी कर कही। CM ने बताया कि इथेनॉल संयंत्र से अनाज से इथेनॉल बनाया जाएगा जिसे पेट्रोल और डीजल में मिश्रित करने से प्रदेश में वाहनों से उत्सर्जित प्रदूषण में कमी आएगी। इससे प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण भी होगा।
सीएम ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हर संभव मदद देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। वहीं पेट्रोलियम मंत्री ने राज्य के लिए 60 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से स्टेट ऑफ आर्ट मॉडर्न अस्पताल मंजूर करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री के साथ उनके अतिरिक्त मुख्य सचिव जेसी शर्मा और उप आवासीय आयुक्त पंकज शर्मा भी मौजूद रहे। फ्लाइट छूटने पर कार से श्रीनगर निकला सीआरपीएफ जवान, सड़क दुर्घटना में मौत, पूरे गांव में शोक। श्रीनगर में सेवाएं दे रहे जिला कांगड़ा के सैनिक के सड़क दुर्घटना में मौत होगी। सीआरपीएफ के जवान के जम्मू से फ्लाइट छूट जाने के बाद वह इनोवा कार से वहां के लिए निकला था, हादसे में उसकी मौत होगी। विधानसभा नगरोटा बगवा के हटवास निवासी 41 वर्षीय शगुन कुमार की मौत के समाचार से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के अनुसार गड़ा हटवास के रहने वाले 41 वर्षीय शगुन कुमार सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल थे और इन दिनों श्रीनगर में सेवाएं दे रहे थे। वह छुट्टी पर आए थे। शुक्रवार को श्रीनगर से जम्मू तक की फ्लाइट छूटने के बाद शनिवार को शगुन कुमार जम्मू तक कुछ लोगों के साथ मिलकर इनोवा गाड़ी में आ रहे थे। रामबन इलाके में उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, इसमें शगुन कुमार की मौत हो गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज दिल्ली में जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण और नितिन गडकरी से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का सुबह 10:30 बजे के करीब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात का कार्यक्रम था, लेकिन बाद में इसमें बदलाव हो गया। अब मुख्यमंत्री दोपहर बाद जेपी नड्डा से मिलेंगे। 11:30 बजे के बाद सीएम केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले। इसके अलावा 3:30 बजे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलेंगे। पहले मुख्यमंत्री का 5:00 बजे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलने का कार्यक्रम था, लेकिन इसमें बदलाव हुआ। इससे पहले रविवार को मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री रविवार से दिल्ली दौरे पर हैं, वो मंगलवार को हिमाचल प्रदेश लौटेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कल यानी मंगलवार को लौटने का कार्यक्रम है। बताया जा रहा है कि वह दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिल सकते हैं। स्वदेशी एंटी हेलगम रोकेगी ओलावृष्टि, बागवानी बचाने को प्रदेश की 8-10 स्थानों पर स्थापित करने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बचाने के लिए एंटी हेलगम का विस्तार किया जाएगा। राज्य में हर साल ओलावृष्टि से बागवानी को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए स्वदेशी एंटी हेलगम स्थापित की जाएगी। हालांकि शुरुआत में इन एंटी हेलगम को ट्रायल के आधार पर स्थापित किया जाएगा, मगर इनके सफल होने पर प्रदेश के अन्य सेब उत्पादन क्षेत्रों में भी स्थापित किया जाएगा, ताकि प्रदेश की बागवानी को हर साल होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। IIT मुंबई व डॉक्टर YS परमार बागवानी विश्वविद्यालय नौणी के संयुक्त प्रयासों से स्वदेशी एंटी हेलगम विकसित की गई है। राज्य में बागवानों के हित में मद्देनजर इस स्वदेशी एंटी हेलगम को ट्रायल आधार पर 8-10 स्थानों पर स्थापित करने के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। बागवानी एवं जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि उक्त ट्रायल से एंटी हेलगम का अध्ययन किया जाएगा, ताकि बागवानों को कम कीमत वाली स्वदेशी एंटी हेलगम तकनीक उपलब्ध हो सके। उल्लेखनीय है कि नरेंद्र ब्राक्टा ने बागी में एंटी हेलगम के प्रयोग की शुरुआत की थी। हालांकि शुरुआती दिनों में इसका प्रयोग असफल रहा था, मगर कुछ सालों के बाद इसमें सकारात्मक प्रयोग सामने आए हैं। इसके प्रयोग से बागवानों को लाभ मिला है। एंटी हेलगम के प्रयोग से बागवानों की फसलों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सका है। अब प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्वदेशी एंटी हेलगम के स्थापित होने से प्रदेश के बागवानों को भारी लाभ होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइन, कुछ दवाओं को कोविड-19 के इलाज से हटाया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी नई गाइडलाइन में आइवरवैक्टिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एंटीवायरल फेविपिरविर के इस्तेमाल को हटा दिया है। डॉक्टरों और चिकित्सा शोधकर्ताओं के एक वर्ग ने सलाह दी थी कि कोरोना मरीजों पर इन दवाओं का फायदा नहीं हो रहा है। इसके वैज्ञानिक प्रमाण न मिलने के बाद नई गाइडलाइन में इसे हटाया गया। हालांकि डायरेक्टोरेट जर्नल ऑफ हेल्थ सर्विसेज DGHS के दिशा निर्देश भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के दिशा निर्देश से अलग हैं, जो कि आइवरमैक्टिन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दोनों की सलाह देते हैं, भले ही इसने इनके उपचार से प्लाज्मा को हटा दिया हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। दिखते रहिए हिलक्स न्यूज चैनल। धन्यवाद।
हेलो हिमाचल, हिमाचल 365 टीवी सूचना समाचार मनोरंजन एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। दिस इज हिमाचल 365 टीवी एंड यू आर वॉचिंग हिलक्विस्ट न्यूज। आई एम गरिमा, मेरा नाम है आशीष, ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं गरिमा, ये है जागो हिमाचल 365 टीवी, डर के नहीं डटके, और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट न्यूज़। बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचारों की तरफ। हमीरपुर में कोरोना के 30 और नए केस, हमीरपुर में 8,000 कर रहे प्राकृतिक खेती, 1 करोड़ से बनेंगे कॉमन सर्विसेज सेंटर, आदेश वापस नहीं तो पूंजी निकालेंगे, मना करने के बाद भी बना दी धाम, सिहुंता में ज़्यादा मेहमान बुलाने पर चलान, घास काटते युवक की नाले में गिरकर मौत, अभी नहीं बनेगी स्पुतनिक वैक्सीन, लाइसेंस को आवेदन करेगी कंपनी, हेलमेट पर नए नियम लागू, इन लोगों पर लग सकता है 5,00,000 रुपए तक का जुर्माना और हो सकती है 1 साल की कैद, 14 जून तक कोरोना कर्फ्यू, आज से शुक्रवार तक सिर्फ 2 बजे तक ही खुलेंगे बाजार। अब समाचार विस्तार से। हमीरपुर में कोरोना के 30 और नए केस, जिला में रविवार को 30 लोग कोरोना संक्रमित निकले हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट में 17 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि रैपिड एंटीजन टेस्ट में 13 लोग पॉजिटिव पाए गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के अग्निहोत्री ने बताया कि रविवार को जिला में आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए 125 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 17 लोग संक्रमित निकले हैं। वहीं रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए कुल 421 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 13 पॉजिटिव निकले। डॉक्टर अग्निहोत्री ने बताया कि गांव बूणी में 3 लोगों और सलोनी क्षेत्र के गाँव अवा में 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनके अलावा कुठेड़ा, बस्सी, लुधर, महादेव क्षेत्र के गाँव टिकरी, जलाड़ी, पुतड़ियाल, महरे, हमीरपुर और पतलियार क्षेत्र के गांव बुटलियार में 1-1 पॉजिटिव मामला सामने आया है। हमीरपुर में 8,000 कर रहे प्राकृतिक खेती, फसलों की पैदावार बढ़ाने तथा किसानों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दूरदर्शी नेतृत्व में कई किसान मित्र योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के माध्यम से किसानों का रुख न केवल जहर मुक्त खेती की ओर हुआ है, बल्कि कम लागत में बेहतर पैदावार मिलने से उनके आर्थिक स्तर में भी अशातीत बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जिला में लगभग 525 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की जा रही है और वर्तमान में करीबन 8,000 किसान इस पद्धति से जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमीरपुर जिला में गत 2 वर्षों में लगभग 54,76,000 रुपये का उत्पादन इन मतों के अंतर्गत प्रदान किया गया है। इनमें से लगभग 23,00,000 रुपये देसी गायों की खरीद एवं परिवहन, 13,70,000 रुपये ड्रम इत्यादि, 11,66,000 रुपये गौशाला लाइनिंग व 6,25,000 रुपये संसाधन भंडार पर उपदान के रूप में प्रदान किए गए। प्राकृतिक खेती से जुड़े किसान मुख्य तौर पर वे मिश्रित खेती को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसमें खरीफ के मौसम में मक्की के साथ मांस एवं सोयाबीन या ओकरा, फ्रेंच बीन इत्यादि की पैदावार ली जा रही है। रवि मौसम में गेहूं के साथ सरसों, चना, पालक के साथ धनिया, मेथी या मूली की उपज ली जा रही है। इससे किसी कारणवश एक फसल को नुकसान होने पर दूसरी से उसकी भरपाई आसानी से हो रही है। 1 करोड़ से बनेंगे कॉमन सर्विसेज सेंटर। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री ने नदौन विकास खंड की 20 पंचायतों में कॉमन सर्विसेज सेंटर बनाने की घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने उक्त कार्य हेतु 1 करोड़ की धनराशि जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार चरणबद्ध तरीके से सभी पंचायतों में उक्त सर्विसेज सेंटर खोलेगी, ताकि अधिकतम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। निगम उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री ने बताया कि इस विकास खंड की मालक कंट्रोला, प्लासी, मैट, धनेटा, जलान, बढ़ेड़ा, बेला, बड़ा गहाली, सपड़ो, दंगली, कोटला, चिलियाँ, वालपत्थर पंचायतों में कॉमन सर्विसेज सेंटर निर्माण के लिए प्रति पंचायत 5,00,000 की धनराशि जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि उक्त केंद्रों में लोक मित्र द्वारा संचालित सभी कार्य किए जाएंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर पदों पर नई नियुक्तियों से युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने जानकारी दी कि संबंधित भवन का निर्माण पंचायत घर के साथ ही निकट भूमि में किया जाएगा, ताकि लोगों की इसकी सुविधा नज़दीक उपलब्ध हो सके। निगम उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री ने कहा कि पंचायत स्तर पर इन कॉमन सर्विसेज सेंटरों का निर्माण प्रदेश सरकार द्वारा जनता से किए गए गुड गवर्नेंस उपलब्ध करवाने के वादे को पूरा करने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है।
आदेश वापस नहीं तो पूंजी निकालेंगे। हिमाचल प्रदेश प्राथमिक सहकारी सभाएं कर्मचारी संघ जिला हमीरपुर की बैठक शनिवार को भोरंज में अध्यक्ष जगत सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक महाप्रबंधक द्वारा सहकारी सभाओं की जमा पूंजी पर TDS काटने का आदेश को कड़े शब्दों में निंदा की तथा इसे सहकारी सभाओं के खिलाफ बताया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक सहकारी सभाओं को जमा पूंजी के ऊपर अपनी इच्छा से TDS काटने के आदेश कांगड़ा केंद्रीय बैंक धर्मशाला के महाप्रबंधक द्वारा शाखा प्रबंधक को दिया गया है, वह सहकारी सभाओं के खिलाफ है। अगर बोर्ड द्वारा इस आदेश को वापस नहीं करता तो सहकारी सभाएँ अपनी जमा पूंजी निकालकर दूसरे राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा करवा देंगी। बोर्ड द्वारा ये जो आदेश निकला है ये पूर्णतः सहकारिता सिद्धांतों के खिलाफ है। इस बैठक में जिला उपाध्यक्ष ओम स्वरूप अब्रोल, महासचिव संजीव कुमार, भोरंज अध्यक्ष भवानी दत्त शर्मा, महासचिव धीरज शर्मा, कार्यकारिणी के सदस्य वीरेंद्र शर्मा, राकेश वर्मा व अन्य गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। मना करने के बाद भी बना दी धाम, सिहुता में ज्यादा मेहमान बुलाने पर चलान। प्रदेश में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सरकार ने कई बंदिशें लगाई हैं, इसके चलते शादी समारोह में भी गिने चुने लोगों को ही आने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन कुछ लोग इन बंदिशों को ठेंगा दिखाते हुए भीड़ जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जिला कांगड़ा के बला पंचायत में सामने आया है। कोरोना काल में प्रदेश सरकार के आदेशों की अवहेलना करना यहाँ के एक परिवार को महंगा पड़ा है तथा इस एवज में नायब तहसीलदार कोटला जीवन शर्मा ने परिवार वालों को 5,000 रुपये जुर्माना ठोका है। जानकारी अनुसार नायब तहसीलदार कोटला जीवन शर्मा ने कोटला चौकी प्रभारी संजय शर्मा के साथ लेकर 5 जून देर रात करीब 10:30 बजे ग्राम पंचायत कोटला के ब्ला गांव में दबिश दी। घास काटते युवक की नाले में गिरकर मौत। ग्राम पंचायत मझोक सुल्तानी के तहत आने वाले पत्थर गांव के व्यक्ति की लाश एक नाले में गिरी मिली है। व्यक्ति घास लेने गया हुआ था, घास काटने के दौरान ही व्यक्ति नाले में गिर गया। सिर पर गहरी चोट लगने के बाद व्यक्ति नाले में पानी में गिर गया। काफ़ी समय तक पानी में रहने के चलते व्यक्ति की मौत हो गई। बता दें कि लंबे समय तक इंतजार करने के बाद जब व्यक्ति घर नहीं लौटा तो परिजनों ने तलाश शुरू की, बाद में व्यक्ति नाले में पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार पंचायत मझोक सुल्तानी के तहत पदर गाँव का 54 वर्षीय व्यक्ति शनिवार को तड़के घास लाने के लिए घर से बाहर चला गया था। घासानियों में घास काटते समय व्यक्ति अचानक नाले में जा गिरा। दोनों तरफ से पहाड़ी होने के कारण बना संकरा नाला गहरा बताया जा रहा है। पहाड़ी से गिरने के बाद व्यक्ति के सिर पर गहरी चोट आ गई तथा ये नाले के पानी में जा गिरा। काफ़ी देर तक जब व्यक्ति घास लेकर वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने तलाश शुरू कर दी। अभी नहीं बनेगी स्पुतनिक वैक्सीन, लाइसेंस को आवेदन करेगी कंपनी। हिमाचल के बद्दी में बनने वाली स्पुतनिक वी वैक्सीन निर्माण शुरू होने में अभी कुछ और समय लगेगा। कंपनी ने अभी तक लाइसेंस नहीं लिया है और ना ही अभी तक आवेदन किया है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्र बताते हैं कि 20 जून के आसपास स्टेट ड्रग कंट्रोलर के पास लाइसेंस के लिए आवेदन करेगी। अभी तक कंपनी के पास केवल टेस्ट ट्रायल के लिए ही लाइसेंस लिया है। टेस्ट में खरा उतरने के बाद अब व्यावसायिक उत्पादन के लिए कंपनी लाइसेंस के लिए आवेदन करेगी। केंद्र सरकार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने कंपनी को टीके बनाने में मदद करने के लिए केंद्र सरकार को 14 करोड़ रुपये देने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के इस निर्णय से पनेशिया कंपनी को उम्मीद बंधी है कि अगर उन्हें ये राशि मिलती है तो स्पुतनिक वी उत्पादन में तेजी आएगी और लोगों को भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन मिलेगी। इसके अलावा ये भी आदेश जारी किए गए कि स्पुतनिक वी वैक्सीन की बिक्री आय का 20% रजिस्ट्री के माध्यम से जमा किया जाएगा। देश में वैक्सीन की कमी को देखते हुए हाईकोर्ट ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे में 20 जून को कंपनी इस लाइसेंस के लिए आवेदन करेगी, जिसके बाद लाइसेंस की मंजूरी मिलते ही वैक्सीन का निर्माण शुरू हो जाएगा। हेलमेट पर नए नियम लागू, इन लोगों पर लग सकता है 5,00,000 रुपये तक का जुर्माना और हो सकती है 1 साल की कैद। देश भर में बिना ISI मानक वाले हेलमेट के इस्तेमाल पर 1 जून 2021 से पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर कोई गैर ISI मार्क वाले हेलमेट को बेचता है या खरीदता है तो दोनों को कानून कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में यह ज़रूरी हो गया है कि आप जिस हेलमेट को खरीद रहे हैं उसकी दोबारा और अच्छी तरह से जांच करें कि वह सभी मानकों पर खरा उतरने वाला ISI सर्टिफिकेशन वाली हेलमेट होना चाहिए। यानी 1 जून 2021 से दो पहिया वाहन चालकों और सवारों के लिए ISI मार्क वाले हेलमेट अनिवार्य हो गया है। हिमाचल में 14 जून तक कोरोना कर्फ्यू, आज से शुक्रवार तक सिर्फ 2 बजे तक ही खुलेंगे बाजार।
जयराम मंत्रिमंडल के कोरोना कर्फ्यू में रियायत ना बढ़ने के चलते सोमवार को एक बार फिर से बाजार सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगे। व्यापारी संगठनों के दबाव के बीच सरकार ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों की कोविड को नियंत्रित करने के लिए एक सप्ताह और सख्ती रखने की सिफारिश की, मानते हुए कर्फ्यू को 14 जून तक बढ़ा दिया है। धन्यवाद और जुड़े रहिए हिलकुश न्यूज़ के साथ। हेलो हिमाचल, हिमाचल 365 टीवी सूचना समाचार मनोरंजन एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। दिस इज हिमाचल 365 टीवी एंड यू आर वाचिंग हिलक्विस्ट न्यूज। आई एम गरिमा, मेरा नाम है आशीष, ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ।